नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी खबर है। वो यह है कि यहां पर एक न्यूज़ आर्टिकल है मेरे पास तमिलनाडु के स्टेट के बारे में, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि इस साल सीट्स यहां पर इंक्रीज होगी। तो हम देख लेते हैं कि कितने नए मेडिकल कॉलेज यहां पर आएंगे और कितने कॉलेज में सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। और इसके अलावा एमसीआई ने कुछ वादे भी किए हैं तमिलनाडु के स्टेट के लिए, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि तमिलनाडु के स्टेट में 450 MBBS की सीट्स इस साल इंक्रीज होने वाली है और 300 मेडिकल सीट्स जो है पुराने मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हो रहे हैं। देख लेते हैं कौन से डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक नया मेडिकल कॉलेज ग्रो डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एमसीए का परमिशन इस नए मेडिकल कॉलेज को मिल चुका है। इसका मतलब यह रहेगा कि 2019 के एकेडमिक ईयर में ही यह मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है और आप में से 150 स्टूडेंट को इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। उसके अलावा टोटल 450 सीट्स हैं और बाकी के 300 सीट्स जो है पुराने मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हो रहे हैं। तो यह कौन से सीट्स रहेगी, तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि 100 सीट्स जो है तीन मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हो रहे हैं। 100 सीट्स जो है मदुरई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तिरुनावेली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और उसके अलावा 100 और सीट्स जो यहाँ पर एमसीआई ने वादा किया है तमिलनाडु के स्टेट में कि अगर वह कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब फैसिलिटीज़ अप टू मार्क कर दें, जब तक दूसरा इंस्पेक्शन नहीं आ जाए तब तक 100 सीट्स जो है वह इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 450 MBBS सीट्स इंक्रीज होगी तमिलनाडु के स्टेट में। तो इतना सा खबर मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।